से भी रिक्वेस्ट है, वहां आप लोग नहीं बैठिएगा, खिलाड़ियों को वहां पर जगह दें बैठने के लिए और कोच को। और तैयार हो जाइए इस श्रृंखला का दूसरा मैच देखने के लिए। और कुल मिलाकर के यहाँ पर देखा जाए, पचामी एक्सप्रेस बीरभूम वेस्ट बंगाल की ओर से 4 विदेशी खिलाड़ियों का भरमार, और हेलो, बोथ द टीम्स आर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड नॉट टू बी फिजिकल वाइल प्लेइंग। इफ यू ब्रेक द रूल्स एंड रेगुलेशन, नो डाउट यू विल बी डिसमिस्ड फ्रॉम द गेम। सो प्लीज कीप इट माइंड। एंड डेनिस शोरेंदा, आप जहां कहीं भी हो आप यहां तुरंत रिपोर्ट करें। धन्यवाद। नोटे एफ सी मोती पहाड़ी टीम रे कोई खिलाड़ी को गति का उनको नसिया परिचय बढ़ाई चुकना और कोई एफ सी मोती पहाड़ी हरियर रंग दिया जर्सी को गति का होना टीम रे दो रोमित यादव कनाए गोलकीपर और मिखाइल कनाए जर्सी नंबर 16 रे, जोसफ मिनाया जर्सी नंबर 3, जोनमी घोष जर्सी नंबर 6, जदिष्टि हासदा जर्सी नंबर 15, फेनिस जर्सी नंबर 5, अल्फ्रेड जर्सी नंबर 9, जेम्स जर्सी नंबर 7, क्रोमा जर्सी नंबर 2, अनिल किस्कू जर्सी नंबर 8, डेनियल बेडामी जर्सी नंबर 11। सब्स्टिट्यूट बेंच में है बिप्लव देव, बिबय दास, गौतम साई, मेसी, सुधीर, आशीष और आलम। इसी तरह से एसएसपी पंजाबी एक्सप्रेस बीरभूम के प्लेयर की सूची पर एक नजर। पंजाबी एक्सप्रेस बीरभूम बंगाल की टीम जो कि इस समय ऑल व्हाइट में खेलने के लिए तैयार है। और इसमें धनजोय है गोलकीपर, पीटर है फॉरनर प्लेयर जर्सी नंबर 2 जो कि कैमरून से है, मोहम्मद वो भी फॉरनर प्लेयर जर्सी नंबर 4, रमैदास जर्सी नंबर 15, सिसई जो कि पिछले साल भी इस मैदान पर आए थे फॉरनर खिलाड़ी है जर्सी नंबर 10, चावाला जर्सी नंबर 1, मार्शल जर्सी नंबर 13, आकाश जर्सी नंबर 12, सुमंतो जर्सी नंबर 3, अभिजीत जर्सी नंबर 9 और सुशीतो जर्सी नंबर 5, ये जर्सी नंबर 7 माफ कीजिएगा, जबकि डुगई, किलोन, अनिल, लक्ष्मी, काजल, अरुण और नुजेश वो सब्स्टिट्यूट बेंच में है। इस मैच के मुख्य रेफरी को आप देख पा रहे हैं आकाश जैक्सन रावत जो कि इंटरनेशनल रेफरी हैं, जमशेदपुर से हैं। असिस्टेंट रेफरी में निशांत बेंगरा रांची साहेब हैं और एक तरफ है अमृत डंग जमशेदपुर। हेलो, मैच का शुभारंभ हो गया है। उत्तर नखारिया गैलरी ने दया करते नहीं तो आलोक पे दे चुका थोड़ा होना दिक्कत नहीं हो गया, यहाँ को थोड़ा अड़ी जस्ती रिक्स आलोक पे आता हूँ।
तीना पे दे कना उना की तहन पे उना को जस्ती अलग पे दे चुकुआ उत्तरी छोर का गैलरी में कृपया करके कोई ऑडियंस को आप लोग चढ़ने ना दें, आपके लिए दिक्कत हो सकता है, मेन स्टेज से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप लोग कोशिश करें उत्तरी छोर का गैलरी में ज्यादा संख्या में ना चढ़े, और जितने भी लोग अभी चढ़ गए हैं उससे ज्यादा और नहीं होना चाहिए। थैंक यू। थोड़ा गन बना सकेगी विदेशी खिलाड़ी अधिक जस्ती बिना कुआ उन्हें तो मी बार बुन बढ़ाई लगी करीब करीब इन बुझे उदाहरण उन्हें पेनिस मा जब तो हर बुन लगा देगी जर्सी नंबर 5 रे हरियर रंग रे मोती पहाड़ी से खोई बॉल बॉय कृपया करके बॉल का व्यवस्था कीजिए, बॉल जल्दी से देने की कोशिश करें। पानी बॉल मोती पहाड़ी की तरफ से जर्सी नंबर 3 में जोसेफ जो कि काफी लंबे ऊंचे कद के लंबे लंबे जुल्फ आप देख रहे हैं। जर्सी नंबर 16 रे कोई वो निले के ना उन्हीं दो मिखाइल कना है अनिल किस्कू नोड़े मीठे बढ़ाएगी अब उन संथाल फुटबॉल यूथ आइकॉन रन मीठे धुरंधर मोती पहाड़ी से कोई जर्सी नंबर 8 हरियर रो या जर्सी रे और नोड़े 11 नंबर जर्सी हरो का कोई दो डेनियल बेडामी इस टीम में आपको जान के हैरानी होगी जो कि बहुत दिनों से आपको बताते आ रहे थे कि इस मैदान पर करोमा को हम लोग देख पाएंगे सबसे बड़े अगर हम लोग मानेंगे इस मैच में सभी देशी और विदेशी खिलाड़ियों में वो है करोमा जो कि मोती पहाड़ी की तरफ से खेलते हुए जर्सी नंबर 2 में खेल रहा है करोमा और जब का डिमांड रहता है ना कोलकाता दिल्ली हमेशा लटू लटू क्लब रे गाती लगी हमेशा उन्हें सफर रहता है ना उन्होंने मोती पहाड़ी टीम का बुढ़िया लेकर और सेंटर स्ट्राइकर है ना फेलिक्स करोमा लगे पास लगा सीधा जी अड़ी दिन खाई हो गमालियल तो लिंग बरार लिंग गलमरा कर था जे करोमा हजूब करना बनते हैं और जेम्स गेंद रुका दड़िया करना सब नोट है पेनिस बढ़ाई गया बुन पेनिस डांसर अटी बेहतरीन डांसर हो करना है और खुद आई वेरी कोस्ट खोई करना है मार्शल जर्सी नंबर 13 मार्शल और जर्सी नंबर 10 पहने हुए सिसाई के बीच में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का अभाव मिखाइल और अच्छा पास वहां साथी खिलाड़ी के अंदर क्रोमा के पास गेंद इसी खिलाड़ी का मैं चर्चा कर रहा था क्रोमा बॉल को जीत लिया है पेनिस के अंदर ये तो
इतना मजा लगता है जाए एक हेलो और करोमा जो कि पहले फियरलेस से खेला करते थे लेकिन इस बार टालीगंज टीम खेलने अपने आप खेलते हुए एफसी मोती पहाड़ी की तरफ से और अड़ी बेहतरीन खिलाड़ी के ना बेडमी नवा मैच कुछ ना कुछ करामत है उदू अड़ेगा और चूंकि जिम्बाबे उन्हें जगह को सीधे रखा खिलाड़ी और नई खिलाड़ी बेनी नया खासियत दिए गई तहन करा और ये भी कोरबाट है कोरोमा नुई जतो को जस्ती बेहतरीन स्किल वाला खिलाड़ी नवा इंडिया अंदर रब जल खाज अड़ी जस्ती नुया डिमांड में नार नुई खिलाड़ी कोरोमा और पेनिस बनार के आई बेरी कोस्ट कोई करा कि ओना दिसम का दो अफ्रीका महादेश रिया कटिज मचाव का देश बिना ओडे कोई आई बेरी कोस्ट कटिज मचाव का क्षेत्रफल बिना ओडे कोई सतर का खिलाड़ी जबकि जर्सी नंबर 10 नाते रिक पूर्ण रंग रहे ससय और जर्सी नंबर 8 उकाय कबाला आपका मौका है बनाउल द खर बना टीम बट्टी पहुंच के नती केना लेते भी एक अच्छा अवसर यहां पर बंदा हुआ राइट विंग से इस बार अभिजीत अभिजीत के लिए एक अच्छा अवसर जरूर बनाया था वहां पर कबाला के लिए एक बार फिर से लेकिन इशारा हो रहा है मैच निर्णायक के द्वारा कॉर्नर किक का और ये मौका यहां पर बन भी सकता है लेकिन अभी तक जितने भी कॉर्नर हुए हैं उस तरह से उसमें अटैकिंग पिछला मैच में भी देखने को नहीं मिला था इस मैच में देखना होगा किस तरह से यहां पर इस अवसर को बनाएंगे बिरभुम के पास एक अच्छा मौका अच्छी कीपिंग यहां पर जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम लेकिन पहले ही गोलकीपर को वहां पर बाधित किया गया था रोहित यादव मोती पहाड़ी की ओर से गोलकीपिंग करते हुए अच्छा कीपिंग और यही उम्मीद करके टीम मैनेजर आपको टीम में लेते हैं कि उनके लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आप कीजिए अच्छा पास वहां पर पैनिक का क्रोमा के लिए बहुत ज्यादा देर तक बॉल को रखा अपने पास अच्छा पास यहां पर बहुत ही जेम्स के लिए बाएं फ्लैंक से जेम्स वहां पर क्लोज रेंज की तरफ जाने का प्रयास रखेंगे बॉल अपने पास दो को तो बीट कर लिया था लेकिन वहां पर रिकवरी दिलाएंगे स्पेनिश रिकवरी दिलाया जरूर लेकिन वहां पर अपना संतुलन को सही नहीं रख पाए बॉल पोजीशन ज्यादा देर तक रहा नहीं सही बहुत अच्छा चिप किया था लेकिन वहां पर जेम्स के दिशा में लगाया गया शॉट उसको ऑफ साइड करा दिया गया ऑफ के क्षेत्र से आकर के वहां पर बॉल को लेने का प्रयास किया था अभी तक दोनों टीम ने पूरे मुकाबले में अच्छा योगदान अच्छा खेल दिखाया है और नजदीकी मौके की तलाश में दोनों टीम काफी ज्यादा संघर्ष करते नजर आ रहा है हालांकि यहां पर एक मौका निश्चित रूप से बना है वीरभूम एक्सप्रेस की टीम हालांकि शॉट पॉइंट की दूरी काफी लंबी है अब देखना है शॉट किस तरह से सही डायरेक्शन दे पाएंगे या नहीं
और वहां पर मैच रेफरी इस मुकाबले के आकाश जैक्सन सिंह जी इस मुकाबले को लीड करते हैं। आकाश जैक्सन और जिस तरह से उम्मीद था यहां पर इस मैच में कि एक तरह नहीं और अटैकिंग फुटबॉल देखने को मिलेगा, मुझे लगता है वो आपको सेकेंड हाफ में देखने को मिल जाएंगे। शॉट बहुत ही बेहतरीन, मुझे लगता है यहां पर बॉटम कॉर्नर में टारगेट कर रहे थे लेकिन ऑफ टारगेट, इस बार शून्य शून्य की बराबरी पर मात्र इस महामुकाबला का दूसरा मैच आज के दिन का। और यहाँ जर्सी नंबर 3 में खेलते हुए जोसफ जेम्स अल्फ्रेड जर्सी नंबर 9 में। अच्छा क्रॉस मौका बना सकते थे लेकिन यहाँ पर जेम्स का थोड़ा सा हेडर दिशा से बाहर निकलती हुई और संभवतः अंतिम टच वहां पर वीरभूम एक्सप्रेस के खिलाड़ी के द्वारा हुई थी और रेफरी रावत जी का यहाँ इशारा आता हुआ ये कॉर्नर की। हाँ दीजिए भैया बहुत ही सुंदर बॉक्स के अंदर हेडर तो लगाया जरूर लेकिन सही कांटेक्ट नहीं उनके सही रूप से उनके माथे पर अगर गेंद आती तो नेट में भी गेंद जा सकती थी लेकिन इस फर्स्ट हाफ में दोनों टीम ने अच्छा खेल दिखाया है और दोनों टीम का जो ग्राउंड खेल पासिंग ऑप्शंस की बात करें काफी अच्छा रहा है लेकिन दोनों टीम की एक खासियत अच्छी रही कि मेन मार्किंग बहुत ही अच्छा है, दोनों टीम ने अपने डिफेंडरों को पूरी तरह से वो बांधे रखे हैं। इसी बीच गेंद को सिसाई ने जीत लिया है, हालांकि युधिष्ठी अंतिम प्रयास में वहां उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। युधिष्ठी हंसता जर्सी नंबर 15 पहने हुए मोती पहाड़ी और रेफरी का वहां पर इशारा आ गया है। कॉर्नर की खेल वहां कॉर्नर की क्रिया जी नतीजा हुई दरिया करना बेहतरीन कॉर्नर की पेनाल्टी बॉक्स एरिया रहे के द्वारा डिफेंस लाइन से बहुत ही अच्छा बचाव उनके द्वारा। नेजल बुहा कोठे नेहोर दया करते लहा रन तो दुड़ब तो बन पे तयम रन जब आलो को दिक्कत हो कुरमुटे बन जो तो की जन लगी बन है इकना हार रन उड़े उसी से लेकिन पीछे से थोड़ा सा वहां धकेलने की कोशिश पुश किया गया था, मांग था वहां पर पुश किया है उससे पहले ही फाउल है जब बॉल हैंड में लगी है साथ यहां पर लग रहा था लेकिन डिमांड है यहाँ पर वीरभूम टीम के खिलाड़ियों का कि मुझे दिया जाए यहाँ पर हैंडबॉल लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक सेट पिच नहीं मिलेगा आपको क्योंकि पहले ही आपने फाउल किया है। अच्छा बैक पास यहाँ पर हेलो दक्षिण नखा रन वॉलंटियर दया करते उन्ना नखा पे ध्यान लहा रन दुड़ बच्चों को पे और गैलरी रे दुड़ का नेल बुहा को आपे मौज मौज तिगी तयम से कालो पे छपा कुआ अगर पे साफ दिया चुलन खा फिर आपे चितान रहो करवाई भी डरे जहां टा समस्या बिना खाए उन्ना न खा रहे वॉलंटियर को बिना कुआ उनको थोड़ा पे लय कुआ और कुरुमटो ही बोन जमान जतो कुगी ना यार नपाय ते नुमा काज करम जतो बोन नेल बिल्कुल आगे वाले ऑडियंस से रिक्वेस्ट है अगर आप ही उसी जगह में होते पीछे में तो आपको कैसे लगता
आगे वाला को पूरा चांस मिलना चाहिए भाई। वॉलेंटियर्स दक्षिण साइड में एक बार आप लोग जाएंगे, अपना कर्तव्य को ठीक से निभाएंगे। आगे वाले ऑडियंस को बैठने के लिए बोलिए, अगर वो थक गए हैं बैठते बैठते तो बिल्कुल वो घूम सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं इस स्टेडियम के बाहर में। सेठ पीछे यहाँ पर एक बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलता हुआ पंजाबी एक्सप्रेस को एक बढ़िया मौका। ये सेठ पिच अगर एक अच्छे स्ट्राइकर यहाँ पर शॉट लगाते हैं तो गोल हो सकता है। लेकिन उमदा की टीम आज की फर्स्ट हाफ की मैच में रुमित यादव की बेहतरीन कीपिंग, कद मंझला है लेकिन कमाल का कीपिंग किया है रुमित यादव ने। चमाला यहां पर स्ट्राइक लेने के लिए, नहीं लगाए यहां पर एक बार में शॉट। डांस ग्रुप रेन कोरियोग्राफर मानवल जी दया करते आमरेन ग्रुप रेडी दो ककुआ चिदा जे नुआ मैच रे लगभग लगभग चार मिनट रिया की समय शेष बिना रेगुलेशन टाइम में, अभी भी लगभग चार मिनट का जो रेगुलेशन टाइम में शेष है उसमें भी देखना है रेफरी कितना समय को जोड़ते हैं जो मैच में बाधित हुई है। और नेक्स्ट मैच के लिए नेक्स्ट मैच आज का जो तीसरा मैच जो होना है उसके लिए फलकनुमा एफसी हैदराबाद वर्सेस चंचल आर्यन ग्रुप छोटा रंगा। नेक्स्ट मैच फलकनुमा एफसी हैदराबाद वर्सेस चंचल आर्यन ग्रुप छोटा रंगा। कृपया करके दोनों टीम के कैप्टन से गुजारिश है आप रिपोर्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा यहाँ पर जिस तरह से क्रॉस आया था आकाश का, पहले हवा में उठेगा इस बार, ये ऑफ के क्षेत्र से पहले ही थे। और लेकिन आकाश का जो यहाँ पर बीरभूम के लिए मौका बनाए थे चवाला के लिए, वो हेडर करवाना चाहते थे उससे। The third match फलकनुमा एफसी हैदराबाद वर्सेस चंचल आर्यन ग्रुप छोटा रंगा के बीच में मैच होना है। मैनेजर अपने टीम को तैयार रखेंगे। वंस अगेन फलकनुमा एफसी हैदराबाद वर्सेस चंचल आर्यन ग्रुप छोटा रंगा, बोथ द टीम्स are requested to get ready in time. Soon after this match, the match will be there. So please keep in mind, time waits none. हमारा समय बहुत ही कीमती है और बहुमूल्य है, इसीलिए for the teams, do not delay and you have to become in dugout in time. पहले राउंड का ये दूसरा मैच का पहला हाफ प्रगति करता हुआ, खेल थोड़ा फिजिकल होता हुआ एंड इन फैक्ट द फॉरेनर्स फॉरेन ओरिजिन प्लेयर्स आर अपीलिंग सो मच। और यहाँ एक मिनट का टाइम एडेड टाइम एक मिनट का समय को जोड़ा गया है और देखना है ये इस इंजरी टाइम पर क्या नतीजा होगा इस मुकाबले का। अभी भी दोनों टीम शून्य शून्य पर खेलते हुए फर्स्ट हाफ का, बिल्कुल यहाँ पर एक मिनट उसके लिए क्या कुछ होगा। यस दिस इज द टाइम, ये जश्नवत दो के लिए अवसर था बट ही कुड नॉट यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी और ये समय ये इसी बीच यहाँ पर बेहतरीन तरीके से टैकल करने का प्रयास, बॉल बाहर चली गई है एंड जश्नवत टू को यहाँ पर एक बहुत बड़ा मौका मिलता लेकिन डिफेंस ने कोशिश को नाकाम कर दिया। जश्नवत नाइन और यहाँ पर स्ट्राइक करने के मूड पर, यस डेफिनेटली हल्का अंदाज में उसको चिप किया, वन सेकेंड वहां पर
बहुत सुंदर ढंग से ये शीशे के लिए ये प्लेयर बहुत ज्यादा मेहनत करे। इसी बीच कबाला क्लियर टेन शीशे वॉज देयर बट नो गुड शॉट और रुमित यादव ने पुनः अपना